अगर 10 खड़ा है तो 10 चोर है और उस 10 चोर में से एक चोर को वोट देना है को दिए हैं, जो वार्ड में आकर अच्छा काम करे और मतलब जितने भी है जो नाली गंदगी ये सब साफ सफाई ऐसे उम्मीदवार को दिए हैं जो आकर वार्ड में अच्छा काम करते हैं। अमरुल्ला खान को डिप्टी मेयर में दिए हैं, अमरुल्ला खान को मेयर में दिए हैं ताला चाबी छाप। नाम कौन है, किसका छाप है ये? मोहम्मद अकील का, अमरुल्ला खान को। मेयर में, मेयर में नहीं को दिए ना, असलम अंसारी को। असलम अंसारी को, अमानुल्लाह खान को। मेयर में शाहजहाँ को। वार्ड की जनता अरुण राय के पक्ष में अपना मतदान जोर शोर से कर रहे हैं। समाज में जो व्यवस्थित काम करें उनके लिए दिया है। तो क्या लग रहा है ऐसा कौन, अभी नाम नहीं खोलना चाहते या बस? नाम नहीं, क्योंकि सारे परिचित हैं, किसी पर्सनली किसी के लेकिन मतदान कर दिए हैं। किसको अपना मत दे के आ रहे हैं? अरुण हवा को हम लोग नलसा पर वोट दिए हैं, सारा उन्हीं को वोट हम लोग कर रहे हैं। डिप्टी मेयर में, डिप्टी मेयर में अभी फाइनल अंदर जाने के बाद करेंगे। नमस्कार, मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। सूरी स्कूल में अभी हम लोग उपस्थित है। आपको बता दें आज 9 तारीख है और नगर निगम चुनाव का जो है शुरुआत हो चुका है। लोग बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे लाइन में लग चुके हैं, वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे जो वार्ड नंबर 13 है ये यहाँ पे 5 बूथ बनाए गए हैं। बहुत सारे प्रशासन जो है प्रशासनिक तैयारी भी यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। लोग भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अपना वोट दे रहे हैं। जिस हिसाब से धूप है उस हिसाब से तो भीड़ थोड़ा कम ही है, फिर भी लोग जो है अपना आपका मतदान दे रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं, किसको जो है अपना मत दे रहे हैं, क्या लग रहा है कि कौन विकास कर पाएगा। कुछ महिलाएं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना चाह रही है, अपना मतदान किसको अभी दे के आ रही है, परिचय दीजिएगा अपना। रोशनी परवीन, अभी वोट अपना गिरा के आ गई हैं आप? जी। किनको अपना वोट दिए? अपने वार्ड पार्षद को। वार्ड पार्षद को, मेयर डिप्टी मेयर में किसको वोट दिए? अमनुल्ला खान को। अब मेयर में, मेयर में नहीं उसको दिए ना, असलम अंसारी को। असलम अंसारी को दिए हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है। आपने किसको दिया है वोट? हम जहांगीर अहमद को दिए। नाम? नाम आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ रुखसाना बेगम। डिप्टी मेयर में किसको दिया? अमानुल्लाह खान को। अच्छा, मेयर में शाहजहाँ को। शाहजहाँ को दिया है, चाहे दीजिएगा अपना। मेरा नाम हुआ काजल परवीन, मेरा घर है बड़ा बाजार मस्जिद चौक और मेरे पापा का नाम। वोटिंग गिरा, अपना वोट दे के आ गए हैं? हाँ, हम सुबह ही अपना वोट दे कर आ। किसको दिए हैं अपना वोट? हम अपना वोट उसी उम्मीदवार को दिए हैं जो वार्ड में आकर अच्छा काम करे और मतलब जितने भी है जो नाली गंदगी ये सब साफ सफाई ऐसे उम्मीदवार को दिए हैं जो आकर वार्ड में अच्छा काम कर सके। मेयर और डिप्टी मेयर में किसको दिया है? मेयर में दिए हैं अमरुल्लाह खान को। डिप्टी मेयर में दिए हैं अमरुल्लाह खान को। मेयर में, मेयर में दिए हैं ताला चाबी छाप। नाम कौन है, किसका छाप है ये? ये मोहम्मद अकील का है। अच्छा, उनको दिए हैं, लग रहा है विकास करेंगे। हाँ, वो करेंगे, अच्छा विकास करेंगे अगर जीतेंगे तो, क्योंकि वो बहुत कम उम्र के हैं, पहली बार घुसे हैं इसमें मेयर वाले में, तो हमको तो लगता है कि वो अगर जीतने के बाद कुछ विकास करेंगे। जी, परिचय दीजिएगा अपना। गुलाम मुस्तफ़ा मेरा नाम हो गया। वोटिंग गिरा के आ गए हैं, अभी नहीं गिरा है? वोटिंग गिरा लिए हम। गिरा दिया है जी। किसको अपना मतदान दिया है, क्या लग रहा है कि कौन विकास कर पाएगा? ये तो जिस समय काउंटिंग होगा तभी पता चलेगा, अभी तो हम बता नहीं सकते हैं। अभी बताना नहीं है कि किसको दे के आए हैं? नहीं, ये अभी हम कैसे बता दें। मत देने का अधिकार सबका है, लेकिन मत खोलने का अधिकार अभी किसी का नहीं है। अभी वो जो है 12 तारीख को ही, 11 तारीख को ही पता चलेगा जी। हाँ, कि किसको अपना मत दे के आए। हाँ, परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम उमेश चंद दिलराज हुआ, वार्ड नंबर 13 से बिलोंग करते हैं। अभी 13 वार्ड की जनता अरुण राय के पक्ष में अपना मतदान जोर शोर से कर रहा है। आप वोटिंग अपना गिरा के आ गए हैं, अभी नहीं गए? अभी नहीं गए हैं। तो उनके अरुण राय के बारे में उनको ही देना है अपना वोट? हाँ, चूँकि ऑन स्पॉट सब जनता के लिए काम किए हैं, इसलिए उनका जनता आभारी है। डिप्टी मेयर को कैसे डिप्टी मेयर चुना? हम लोग डिप्टी मेयर ही सब के लिए नहीं, अभी सिर्फ मेयर के लिए। अभी बस मेयर के लिए जोर जोर से लगे हुए हैं। हाँ जी, और भी कुछ लोगों से बात कर दीजिएगा। प्रणब कुमार। अभी वोटिंग गिरा के आ गए, अभी नहीं गिरा? हाँ, गिरा दिए। किसको अपना मत दे के आ गए? हम अपनी वोट जो है
समाज में जो व्यवस्थित काम करें उनके लिए दिया है। तो क्या लग रहा है ऐसा कौन, अभी नाम नहीं खोलना चाहते या बस? नाम नहीं, क्योंकि सारे परिचित हैं, किसी पर्सनली किसी के लेके नहीं कर सकते। मेरा नाम हुआ रोशन कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 13 का मूल निवासी हूँ। अभी मतदान करके आ गए हैं, अभी नहीं गए? मतदान कर दिए हैं। किसको अपना मत दे के आ रहे हैं? अरुण हवा को हम लोग नलसा पर वोट दिए हैं, सारा उन्हीं को वोट हम लोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि कैसी स्थिति है यहाँ? बहुत अच्छी स्थिति। प्रशासनिक कैसी तैयारी? बहुत अच्छे है। डिप्टी मेयर में किसको वोट? डिप्टी मेयर में अमनुल्ला खान को दिए हैं। लग रहा है दोनों विकास कर पाएंगे? बहुत अच्छा विकास कर पाएंगे, भरोसा है, पूरा भरोसा है। मेरा नाम हुआ प्रिंस, हुआ प्रिंस। अभी मतदान करके आ गए अपनी? नहीं, हम नहीं किए, मेरी मम्मी की है, मतदान की है। क्या लग रहा है किसको अपना मत दे रहे हैं और क्या स्थिति क्या लग रही है? हम चाह रहे हैं कि जो जिस मतलब वोट है जिसको दिए हैं, हम लोग चाहते हैं कि बढ़िया कोई कैंडिडेट आए जो काम करे, ठीक है, जो हम लोग का काम करे, जो हम लोग की कहीं जाए तो हम लोग की बात सुने, वैसा कैंडिडेट हम लोग चाहते हैं। नंबर 24 में अभी हम लोग हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं अपना मतदान दे के जा रहे हैं, इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, किसको अपना मतदान दे के अभी जा रहे हैं, परिचय दीजिएगा अपना। मेरा परिचय बजरंगी महतो है, ठीक है। किसको अपना मतदान दिए है? हमने दिए हैं अरुण हवाई को वोट दिए। अरुण हवा मेयर में? डिप्टी मेयर में? किसको? डिप्टी मेयर काजलपुर को दिए। काजलपुर को दिए। क्या स्थिति क्या लग रही है यहाँ? अभी तो ठीक ठाक लग रही है। क्या लग रहा है कि 11 तारीख को क्या होने वाला है, किसके तरफ फैसला? डिप्टी मेयर के गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन मेयर में पूरा क्लियर है। मेयर में क्लियर है? किसका? अरुण हवाई का। ठीक है, दीजिएगा नाम बताइएगा। गजाला नासरीन। अभी मतदान दे दिए हैं या नहीं दिए? दे दिए। किसको अपना मत दे क्या रहे, मतदान दे क्या रहे? मेयर में किसको चुने हैं? शाहजहां साड़ी को। और डिप्टी मेयर में? फहीम बकड़ को। अच्छा, क्या लग रहा है दोनों विकास कर पाएंगे? जी दीजिएगा। बड़े क्या, मेरा नाम नबी हुसैन अंसारी है। किसको अपना मेयर या डिप्टी मेयर चुन रहे हैं? डिप्टी मेयर में अभी जो है, अभी हम वोट नहीं गिराए हैं, लेकिन वोट गिराने जा रहे हैं। अभी डिप्टी मेयर का हम वोट गिराएंगे अमानुल्ला खान पर, ठीक है। मेयर कैसे चुनना चाहते? मेयर, मेरा अच्छा मेयर होना चाहिए, मेयर में भी अच्छा मेयर होना चाहिए। किसको? किसको अपना मतदान दिए? अभी मतदान के लिए हम देना चाह रहे हैं अभी जो है शाहजहां अंसारी को। शाहजहां अंसारी? हाँ हाँ, दे रहे हैं। बात करते जानते क्या, कुछ परिचय दीजिएगा। मुराद खान मेरा नाम हुआ। अभी मतदान दे दिए नहीं दिए? नहीं देंगे। किसको चुनना चाहते हैं? मेयर या डिप्टी मेयर? मेयर, उप मेयर या वार्ड कमिश्नर, जिनको भी चुनेंगे, जो हमारे वार्ड को, हमारे मधुबनी को अच्छा कर सके, उनको हम लोग वोट देंगे। क्या कौन लग रहा है कि ऐसा कि कर? अभी बताना असंभव, अभी नहीं, नाम नहीं खोल। अगर कोई बता रहे हैं तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, जो बता रहे हैं वो बेवकूफ़ी। हाँ, ये मेरा नाम मोहम्मद अनवार उर्फ मुन्ना हुआ। अपना मतदान दे के आ गए हैं अभी या नहीं दिए? दे दिए हैं। किसको दिए हैं? अच्छे और सच्चे ईमानदार को दिए हैं, और ईमानदारी से काम करने वाले को दिए हैं। कौन ईमानदार है? क्या लग रहा है मेयर या डिप्टी मेयर में कौन ईमानदार है? ईमानदारी में देखिए तो वार्ड में भी खालिद बेनजीर खालिद के अलावा कोई है नहीं। मेयर में कौन है? मेयर में शाहजहां अंसारी। डिप्टी मेयर में? डिप्टी मेयर में खान साहब। इमरान शेख। अभी मतदान करके आ गए हैं, अभी नहीं किया? अभी नहीं किया। किसको दे रहे हैं अपना मतदान? हम शाहजहां अंसारी को। डिप्टी मेयर में? डिप्टी मेयर में अभी फाइनल अंदर जाने के बाद करेंगे। अच्छा, डिप्टी मेयर का नाम नहीं खोलना? जी नहीं खोलेंगे। वार्ड पार्षद? वार्ड पार्षद बेनजीर खालिद। क्या लग रहा है ये लोग विकास कर पाएंगे? जी 15 साल से विकास करते आ रहे हैं बेनजीर खालिद जी, तो लग रहा है आगे भी करेंगे। आगे भी करेंगे। नंबर 24 में ही हम लोग अभी उपस्थित है यहाँ पे, भी और कुछ लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये लोग अपना मतदान किसको दे रहे हैं, परिचय दीजिएगा अपना। नाम मोहम्मद आरजू। किसको अपना मतदान दे रहे हैं आज? ये बोलना रहता है? बिल्कुल बोल सकते हैं आप, अगर मेयर में किसको चुन रहे हैं या डिप्टी मेयर में किसको चुन रहे हैं, वार्ड पार्षद में किसको चुन रहे हैं? 2 बजे के बाद डिसाइड होगा कि हम वोट गिराने आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा, अभी ये भी डिसाइड नहीं हो रहा है कि वोट गिराने जाना है कि नहीं? किसको वोट देना है? अगर 10 खड़ा है तो 10 चोर है, और उस 10 चोर में से 1 चोर को वोट देना है। सोचेंगे 2 बजे के बाद कि किसको दें? अभी नहीं सोचे हैं। सोचने का मतलब वोट गिराने के समय में सोच लेंगे, तब सोचेंगे कि वहाँ पे जाके सोचेंगे। उस रूम में जो जाएंगे ना, उस रूम में जाकर के जो है सोचेंगे, देखेंगे कि कितने लोग हैं, इसमें से कौन से समझदार चोर हैं, उनको दे देंगे। परिचय दीजिएगा।
मेरा नाम हुआ अख्तरी खातून, मोमिनटोला वार्ड नंबर 24 में मेरा घर है। मतदान दे दिए हैं या नहीं दिए? दिए हैं। किसको दिए हैं अपना मतदान? अपना मतदान दिए हैं टेम्पू छाप बेनजीर खालिद और बल्ब छाप शाहजहां अंसारी। डिप्टी मेयर में किसको दिए? उसके बारे में डिसाइड नहीं है अभी, नहीं किसी को बताना है। लेकिन नहीं बताना है, बताना नहीं है किसको दिए जी। ठीक है, अपना परिचय दीजिएगा। फातिमा परवीन। मतदान दे के आ गए हैं या नहीं? किसको देना है? बेनजीर खालिद। मेयर में? शाहजहां अंसारी। परिचय दीजिए। मेरा नाम रसीदुल हक है। अपना मतदान दे के आ गए हैं या नहीं? हाँ, मतदान दे के आ गए, आप देख सकते हैं। किसको चुने हैं अपना मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए? मेयर प्रत्याशी के लिए मोहम्मद शाहजहां अंसारी को चुने हैं। डिप्टी मेयर के लिए? डिप्टी मेयर के लिए बताना नहीं चाहते। अच्छा, मतलब डिप्टी मेयर के लिए नहीं खुल रहे और मेयर के लिए खुल जा रहे? मेयर जो 15 साल से काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जीत करके आए वो और भी सारा विकास करें। और आगे लग रहा है कि करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। क्या लग रहा है, कितना वोटिंग मिल रहा है? बहुत अच्छा, वोट प्रतिशत जीतेंगे उम्मीद है। परिचय दीजिएगा अपना। मोहम्मद आदिल हुसैन नाम है मेरा। अपना मतदान दे दिए हैं? नहीं, अभी नहीं दिए हैं। किसको देना चाहते? मोहम्मद शाहजहां अंसारी, बल्ब छाप, क्रम संख्या 19। डिप्टी मेयर में? डिप्टी मेयर अभी नहीं खुलेंगे। मेयर बस जी, बस मेयर हम लोग का डिसाइड। क्या लग रहा है, फॉरवर्ड डिसाइड है? क्या लग रहा है कि विकास कर पाएंगे आगे? बिल्कुल, विकास किए हैं और विकास करेंगे। शिक्षित उम्मीदवार हैं, बिना घुसखोरी के काम करते हैं। पूरे मधुबनी के वार्ड में 45 वार्ड में कोई माई कलाल नहीं बोल सकता है कि हम ईमानदारी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। सिर्फ एक कैंडिडेट है जो बोलते हैं कि हम ईमानदारी के नाम पे वोट मांगते हैं, दावा कर रहे हैं। बिल्कुल।